चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। भाजपा के लोगों से बोल दो कान खोल के सुन ले, कतई दंगा नहीं होगा। 2 करोड़ नौकरी गवर्नमेंट तो देगी नहीं, ये तो क्लियर हो गया ना। सोरम में क्या लेने गया था? एक बड़ा विरोध बीजेपी के नेताओं का इस गांव से हुआ है। उस दिन क्या हुआ था और किस तरह का माहौल था गांव में, लोगों में जो किसान नाराजगी किस तरह की थी? माहौल तो इन्होंने खराब करा। जब सरकार की निंदा हो रही है, सरकार की खिलाफत हो रही है ना, गांव में आने की क्या जरूरत है? ये तो दंगा कराने के लिए आ रही है, दंगा कराओ चल के, अब जो और कुछ रास्ता नहीं है। किसान को संगठित ना हो करके इनसे झगड़ा कराओ आपस में। भाजपा के लोगों से बोल दो कान खोल के सुन ले, कतई दंगा नहीं होगा। और इनके जो शब्द है वे किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। 6-7 साल हो लिए इसको एमपी बने, हमने तो पहली बार भैंसवाड़ में देखा। यार राड करवाने के लिए आया, विवाद कराने के लिए आया था भैंसवाड़ में। ये तो दुर्भाग्य है उस नेता का, उसके कहने से यहाँ से राड नहीं हुई, राड कराने के लिए आया था पूरे गाँव में। अभी कुछ लोग आए थे कानून का फायदा समझाने आए थे, तो भगा दिए थे। मैं ढेर कानून जाने के किसान के लिए, किसान भूखा मर गया। 14 दिन में कहा था पैसे दे देंगे किसान के, पिछले साल का पैसा आज उन्होंने दिया। कई वादे किए थे किसानों के साथ सरकार ने सत्ता में आने से पहले। 450 रुपये गन्ने का भाव कहे थे, कहीं बिन दिया। यह तो बहुत झूठी सरकार है, तो जान से मार देगी किसानों को। इन्होंने कहा था कि हम साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। इस पर क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ है अभी तक, या फिर वो वादे वादे ही रहे? 2 करोड़ नौकरी गवर्नमेंट तो देगी नहीं, ये तो क्लियर हो गया ना। अगर किसान नहीं रहे ना, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को किसान नौकरी दे रहा, चाहे वो गांव का मजदूर हो, चाहे गांव में नौकर लगता हो, या बिहार या बंगाल या जो आसपास के राज्य से लोग यहाँ खेती करने आते हैं, उनकी भी नौकरी छिन जाएगी। मैं ये कह सकूँ कि 2 करोड़ नौकरियाँ और छिन जाएगी गवर्नमेंट आने वाले टाइम में, नौकरी देगी नहीं। प्राइवेट सेक्टर की बात, अरे आदमी होकर था गवर्नमेंट जॉब लगी भाई, एक हमारा स्थाई हो गया। यूँ कह रहे थे कि 3 पिड्डी सुधरगी, कभी प्राइवेट वाले को कहा कि 3 पिड्डी सुधार के जाएगा? अभी भैंसवाल गांव से सरकार के नेताओं का एक बहुत बड़ा विरोध हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे, विरोध क्यों हुआ है? पहली बात तो गलती है गांव के प्रतिनिधित्व की, प्रधान की, जो उसका सम्मान करने गए उन्हें बुलाया जब गांव का माहौल नहीं है, क्या जरूरत है बुलाने की? यूथ है, यूथ पता नहीं गुस्से में क्या कर दे। यूथ सम्मान में आया था तो सरकार बदल दी, अब गुस्से में आया तो बेइज्जती होगी। किसानों में किस तरह की यूनिटी बनी हुई है, किस तरह की एकता किसानों में है? किसानों में एकता बनी हुई है, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान पीछे नहीं हटे। दिल्ली में चाहे 6 बरस हो जाओ, कोशिश वहीं तक रहेगी। आर पार की लड़ाई है। सोरम में क्या लेने गया था? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ये कहा था कि भाई अभी कहीं ना जाइए, भारत ये जो भाजपा वाले हैं इनका विरोध होगा, ये कहीं ना जाओ, ना ये किसी तक मिलो, जो जाएंगा इन पर दंड करेंगे। क्या लेने गया था वहाँ से? झगड़ा करण क्यों गया? कि पता यहाँ भी इसी मुद्दे मनसत आया हो।